तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपकट ऐप के टॉप 6 वीडियो एडिटिंग ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑटो वेलोसिटी एडिट्स और इसके अलावा यहाँ पर हेलो ब्लर एंड ब्लैक इफेक्ट वीडियो एडिटिंग। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो पर इस तरीके के शेक इफेक्ट और आप अपने एंड्रॉइड मोबाइल से लाइक आईफोन जैसा फास्ट एंड स्लो मोशन वाला वीडियो कैसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और उससे पहले अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो होगा जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैपकट ऐप की टिप नंबर 1 के बारे में। तो अभी ये देखिए वीडियो ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। और ये वीडियो कुछ इस टाइप की है, देखिए काफ़ी फर्स्ट मोशन में प्ले हो रही है। और अभी हम इस वीडियो को स्लो मोशन एंड फर्स्ट मोशन में एडिट करेंगे और लाइक आपको आईफोन जैसा स्लो मोशन बताऊंगा कि आप कैसे एडिट कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपका स्लो मोशन है वो बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपकी वीडियो है ना, आपने अपनी वीडियो को इस तरीके से सप्लीट कर लेना है। तो यहाँ से मैं सप्लीट कर लेता हूँ और एक मैं यहाँ से इसको सप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपने अपनी वीडियो के 3 पार्ट्स इस तरीके से बना लेने हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ नीचे स्पीड के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर नॉर्मल पर जाना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है 0.2x और उसके बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। तो अभी यहाँ पर मैं आपको अगर ये वाली वीडियो प्ले कर दिखाऊँ ना, तो अभी यहाँ पर देखें जो यहाँ पर आपका स्लो मोशन है ना, वो यहाँ पर इस तरीके से लैग करता होगा, ठीक है। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल में अपनी वीडियो को स्लो मोशन में क्रिएट करते हो तो यहाँ पर आपका स्लो मोशन इस तरीके से लैग करता है। तो अभी यहाँ पर आपने इसको स्मूथ कैसे बनाना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और दोबारा से आपने चले जाना है स्पीड पर और यहाँ पर दोबारा से नॉर्मल पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखें मेक इट स्मूथर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर बेटर क्वालिटी के ऊपर आपने क्लिक करना है और अब यहाँ से आपने इसको कर देना ओके। तो यहाँ से इसको ओके करने के बाद अब यहाँ पर देखें जो आपका स्लो मोशन है ना, वो बिल्कुल भी लैग नहीं करेगा और यहाँ पर आपको सेम आईफोन वाला स्लो मोशन देखने को मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ। और इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका दरमियान वाला पार्ट है आपने इसको छोड़ देना है और अब ये जो आगे वाला पार्ट है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर दोबारा से स्पीड पर चले जाना है और यहाँ पर नॉर्मल पर आना है और इसको भी यहाँ से आपने इसको 0.2x कर देना है और यहाँ पर आपने दोबारा से मेक इट स्मूथर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर बेटर क्वालिटी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो वो यहाँ पर रेडी हो चुकी है फर्स्ट मोशन एंड स्लो मोशन में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से स्टार्टिंग में हमारी वीडियो बिल्कुल स्लो मोशन में प्ले होगी और बिल्कुल स्मूथ स्लो मोशन हमें देखने को मिलता है और इस तरीके से यहाँ पर देखिए फर्स्ट मोशन में और ये फिर से इस तरीके से स्लो मोशन में हमारी वीडियो प्ले होगी। तो स्टार्टिंग में आपने देखा होगा यहाँ पर जो हमारी वीडियो थी सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड की थी और अभी यहाँ पर हमने इसको 14 सेकंड तक एडिट कर लिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैपकट की टिप नंबर 2 के बारे में। और अभी ये देखिए ये वाली वीडियो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको अनडू कर लिया था और अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइक आप बड़े बड़े टिकटॉकर्स की तरह अपनी वीडियो पर किस तरीके से शेक इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल सिंपल वीडियो, सबसे पहले यहाँ पर आपने अपनी वीडियो ऐड कर लेनी है। तो वीडियो को ऐड करने के बाद यहाँ से ना आपने अपनी वीडियो के ऊपर क्लिक करना और यहाँ से नीचे देखें आपको स्प्लिट का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने थोड़े थोड़े गैप से ना अपनी वीडियो को इस तरीके से सप्लिट करते जाना है। तो अभी यहाँ पर जल्दी से मैं इस वीडियो को इस तरीके से सप्लिट कर लेता हूँ और उसके बाद आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आपने अपने इस वीडियो पर शेक इफेक्ट्स कैसे ऐड करने। और इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे व्यूवर्स के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि भाई हमारा जो है यहाँ पर कैपकट ऐप वर्क नहीं करता है, ओपन ही नहीं होता। तो यहाँ पर आप VPN का यूज़ कर सकते हो क्योंकि इंडिया में कैपकट ऐप जो है बैन है। तो अब यहाँ पर जो सेकंड वाला पार्ट है ना, अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना फर्स्ट वाले को छोड़ने के बाद। तो ये नीचे देखिए आपको एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना और यहाँ पर आपने चले जाना इन पर। तो यहाँ पर आने के बाद ना आपको काफ़ी सारे यहाँ पर इस तरीके के शेक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से बारी बारी से आपने इस तरीके के शेक इफेक्ट्स यहाँ पर ऐड करते जाना अपने इन पार्ट्स पर। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वाले पार्ट के ऊपर आपने क्लिक करना यहाँ पर और दोबारा से आपने नीचे से कोई अच्छा शेक इफेक्ट फाइंड आउट कर लेना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने अच्छे अच्छे शेक इफेक्ट ऐड करते जाना अपने इन पार्ट्स पर, ये देखें इस तरीके से। और यहाँ पर अभी ये वाला शेक इफेक्ट ऐड कर देता हूँ मैं, रॉक वर्टिकल, ये भी काफ़ी अच्छा है। और इसके अलावा ये लास्ट में देखिए आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर शेक इफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है ये वाला शेक इफेक्ट्स आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप एनिमेशन कैसे यूज़ कर सकते हो अपने इन पार्ट्स पर। तो जैसे कि अभी यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से इसको कर देता हूँ अभी ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपने इसको कर देना ओके। और अभी यहाँ पर देखिए आपको कॉम्बो का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पर आपने दोबारा से चले जाना एनिमेशन पर और अभी यहाँ पर आपने कॉम्बो के ऊपर क्लिक करना है। पहले यहाँ पर आपने इनके ऊपर क्लिक किया था और अब यहाँ पर आपने कॉम्बो पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर कॉम्बो पर आने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है एनिमेशन वो आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ इस टाइप के एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पर देखें पेंडोलम 1, पेंडोलम 2, वोबल हो गया, जूम 2, बाउंस 1, ये काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आपको जो भी अच्छा लगता है एनिमेशन वो आप यहाँ पर अपने इन पार्ट्स पर इस तरीके से अप्लाई करते जाना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर जो मेरा वाईफाई काफ़ी स्लो चल रहा है
तो यहाँ पर आपको और भी काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ से आप जो भी अप्लाई करना चाहते हो अपनी वीडियो पर, वो आपने इस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करते जाना है। तो अभी यहाँ पर देखिए बाउंस वन अप्लाई कर दे, तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपकी वीडियो जो एनिमेशन होगी। तो अभी यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ ओके, और अभी यहाँ पर हम फाइनली अपनी इस वीडियो को प्ले कर कर भी देख लेते हैं। तो अभी गाइस यहाँ पर देखिए जो हमने स्टार्टिंग में शेक इफेक्ट ऐड किए थे ना, तो वो अभी यहाँ पर हमारी वीडियो पर इस तरीके से वर्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो वो इस तरीके से शेक होगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो लास्ट में हमने अपनी वीडियो पर एनिमेशन ऐड किए थे, वो भी यहाँ पर इस तरीके से प्ले होंगे। यहाँ पर देखिए ये एनिमेशन आ गया। ठीक है, और अभी गाइस यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैपकट ऐप की टिप नंबर 3 के बारे में। तो अभी यहाँ पर मैंने कुछ इस टाइप के स्टैटिक वीडियो ऐड कर लिया कैपकट ऐप पर, और काफ़ी सारे लोगों को पता भी होगा कि यहाँ पर हम कैपकट ऐप में अपने खुद से कोई भी उर्दू लिरिक्स वाली वीडियो क्रिएट नहीं कर सकते। तो अभी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप उर्दू पोइट्री या उर्दू लिरिक्स सॉन्ग्स की वीडियो यहाँ पर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने वीडियो को ऐड कर लेना है, और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने चले जाना है ओवरले पर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर आपने क्लिक करना है ऐड ओवरले पर। ठीक है, तो अभी यहाँ से आपने अपनी गैलरी से ब्लैक स्क्रीन उर्दू लिरिक्स वाली वीडियो उठा लेनी है। अभी ये कोई पोइट्री भी हो सकती है, किसी सॉन्ग की लिरिक्स भी हो सकती है। तो ये जो है अभी इस सॉन्ग की लिरिक्स मैंने ऐड की है। तो अभी यहाँ पर देखिए जो ब्लैक स्क्रीन है ना, तो आपने इस ब्लैक स्क्रीन को कैसे रिमूव करना है, तो अभी यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊंगा। और ये जो ब्लैक स्क्रीन के नीचे किसी और का यूज़र नेम ऐड है ना, तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे रिमूव करना है। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर ये जो ब्लैक स्क्रीन है आपने इसको कैसे रिमूव करना है, तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स है ना, आप इसको कहीं पर भी ऐड कर सकते हो अपनी वीडियो पर। तो अभी यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। और अभी यहाँ पर ये जो ब्लैक स्क्रीन है आपने इसको कैसे रिमूव करना है, तो यहाँ नीचे देखिए आपको सप्लाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है लाइटन। तो यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ लाइटन। और अभी यहाँ पर देखिए जो ब्लैक स्क्रीन थी वो यहाँ पर रिमूव हो चुकी है। और अभी यहाँ पर मैं इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से आपने चले जाना है नीचे की तरफ से एडजस्ट पर। और यहाँ पर जो इसकी ब्राइटनेस है ना, यहाँ से आपने इसको बिल्कुल 50% कर देना है यहाँ से। तो अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी लिरिक्स है वो काफ़ी वाजी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो इसकी लिरिक्स है ना, इसके बैकग्राउंड में इसी के साथ इसका म्यूज़िक भी प्ले हो रहा होता है। और अभी गाइस यहाँ पर आपने चले जाना है एडिट पर। एडिट पर आने के बाद यहाँ पर आपने क्रॉप के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो किसी और का यूज़र नेम शो हो रहा ना, आपने इसको यहाँ तक क्रॉप कर लेना है। ठीक है, यानी कि आपने उस नेम को यहाँ पर क्रॉप कर देना है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। और इसके अलावा इस पर जो है ना, मैंने एक डिटेल से वीडियो भी बनाई हुई है कि यहाँ पर आप इस तरीके की एस्थेटिक वीडियोस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो अपनी गैलरी पर, और इस तरीके की यहाँ पर आपको ब्लैक स्क्रीन वीडियोस कहाँ से मिलेंगी, और काफ़ी अनलिमिटेड यहाँ पर आपको कंटेंट कहाँ से मिलेगा इस टाइप की ब्लैक स्क्रीन उर्दू लिरिक्स वाली वीडियोज़ का। तो इस पर जो मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वाली वीडियो वहाँ से जाकर वॉच कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैपकट ऐप की टिप नंबर 4 के बारे में। और अभी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कैपकट ऐप की ऑटो वेलोसिटी एडिटिंग के बारे में। और यहाँ पर आपको बताऊँगा कि आपने हेलो ब्लर भी कैसे लगाना है यहाँ पर आपने अपनी इस वीडियो पर। तो सबसे पहले ये वीडियो देखें, कुछ इस टाइप की वीडियो बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम इस पर वेलोसिटी एडिट करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आपने चले जाना है इफेक्ट्स पर, और यहाँ पर चले जाना है वीडियो इफेक्ट्स पर। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने क्लिक करना है बेसिक पर। तो अभी यहाँ पर देखिए फर्स्ट लाइन में आपको हेलो ब्लर देखने को मिल जाता है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है ओके। तो अभी यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में जो हमारा हेलो ब्लर है ना, वो यहाँ पर इस तरीके से प्ले होगा। और अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ से ना आपने अपनी वीडियो को स्प्लिट करना है यहाँ से आगे से। तो जैसे कि यहाँ से मैं इस वीडियो को स्प्लिट करता हूँ, तो यहाँ पर आपने वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इसको कर देना है स्प्लिट। स्प्लिट करने के बाद अब ये जो आगे वाला पार्ट है ना, इसके ऊपर आपने ऑटो वेलोसिटी एडिट करनी है। तो अभी यहाँ पर आपने चले जाना है स्टाइल पर, और यहाँ से आपने इसको आगे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना, तो यहाँ पर देखिए आपको ऑटो वेलोसिटी पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए एक क्लिक से यहाँ पर जो आपकी वेलोसिटी वीडियो एडिट है वो यहाँ पर हो जाती है। और अभी यहाँ पर मैं आपको वीडियो प्ले कर भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में इस तरीके से हेलो ब्लर प्ले होगा, और उसके बाद यहाँ पर देखिए जो वेलोसिटी वाली वीडियो है ना, यहाँ पर हमारी इस तरीके से रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए काफ़ी स्मूथ यहाँ पर हमारी वीडियो जो है वेलोसिटी में एडिट हो चुकी है। और यहाँ पर मैं आपको दोबारा से प्ले कर भी दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छी यहाँ पर हमारी वीडियो एडिट हो चुकी है। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैपकट ऐप की टिप नंबर 5 के बारे में। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से लाइक आईफोन वाली कलर ग्रेडिंग कैसे कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आपको कुछ स्मूथ यानी कि हाई क्वालिटी वीडियो एडिटिंग के बारे में बताऊँगा। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले आपने अपनी इस वीडियो के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आपने चले जाना है फिल्टर पर। तो यहाँ पर फिल्टर पर आने के बाद, तो अभी यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे यहाँ पर फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ से मैं आपको कुछ फिल्टर्स चेकआउट भी करवा देता हूँ, और आपने यहाँ पर इन फिल्टर्स को सबसे पहले देख लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी सारे फ़िल्टर्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर ना सबसे पहले जो भी यहाँ से आपको फ़िल्टर अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आपने वो वाला फ़िल्टर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद नेक्स्ट आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपने
उसी फिल्टर की किस तरीके से कलर ग्रेडिंग करनी है अपनी इस वीडियो पर। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर इस तरीके के इफ़ेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं फ़िल्टर। तो अभी जैसे कि ये वाला फ़िल्टर लगा लेता हूँ मैं और यहाँ से देखिए कोई अच्छा सा फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो जैसे कि अभी यहाँ से मैं कोई अच्छा सा जो है फ़िल्टर फाइंड कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर जो है फ़िल्टर देखने को मिलते हैं। तो अभी जैसे कि ये वाला फ़िल्टर यूज़ करूँगा और इसको यहाँ से कर देता हूँ ओके। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने चले जाना है एडजस्ट पर। तो यहाँ पर देखिए आपको कॉन्ट्रास्ट लाइक यहाँ पर आपको आईफोन वाली सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो अभी यहाँ पर मैं इस वीडियो को थोड़ा बहुत यहाँ से एडजस्टमेंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन, एक्सपोजर, यहाँ पर शार्पन, यानी कि यहाँ पर आपको सभी फ़ीचर्स देखने को मिल जाते हैं आईफोन वाली कलर ग्रेडिंग के। तो यहाँ पर देखिए एक्सपोजर, यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम लाइक आईफोन वाली कलर ग्रेडिंग करने लगे हैं। और यहाँ पर शार्पन को भी आपने 10% यूज़ करना है। और इसके अलावा यहाँ पर जो इसकी हाईलाइट है यहाँ से आपने इसको -15 यूज़ करना है। और यहाँ पर जो इसका शेडो है यहाँ पर आपने इसको कम यूज़ करना है। और यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है इसको आपने -10% ही यूज़ करना है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको और भी काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो की कलर ग्रेडिंग है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी लाइक आईफोन जैसे में कलर ग्रेडिंग देखने को मिलती है। और अभी यहाँ पर जो आपकी वीडियो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी अगर आप इसको टिकटॉक पर भी अपलोड करते हो। तो अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कैपकट ऐप की टिप नंबर 6 के बारे में। तो अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप अपनी वीडियो को किस तरीके से जूम इन और जूम आउट कर सकते हो लाइक प्रोफेशनल लेवल पर। तो अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, सेम आपने पहले की तरह यहाँ से आपने अपनी वीडियो को थोड़े थोड़े गैप से इस तरीके से सप्लीट करते जाना है। तो अभी यहाँ से मैंने इस वीडियो को इस तरीके से सप्लीट कर लिया। और उसके बाद अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है आपने इसको छोड़ देना और जो सेकंड वाला पार्ट है अभी आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपने अपनी वीडियो को 2 फिंगर के साथ इस तरीके से जूम इन करना है, ठीक है। और इसी तरीके से अब यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपका आगे वाला पार्ट है ना अब आपने इसको छोड़ देना है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको आपने इस तरीके से छोड़ देना है। और इससे आगे वाला जो पार्ट है ना अभी आपने इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ से आपने अपनी इस वीडियो को 2 फिंगर के साथ इस तरीके से जूम इन कर लेना है। और फिर से आपने इसे आगे वाला पार्ट छोड़ देना है और इससे आगे वाले पार्ट के ऊपर आपने इस तरीके से क्लिक करना है। और फिर से यहाँ से आपने अपनी वीडियो को इस तरीके से जूम इन कर लेना जितना पार्ट यहाँ पर आप अपनी वीडियो का जूम इन करना चाहते हो। और फिर से यहाँ पर आपने एक पार्ट को छोड़ना है और इसे आगे वाले पार्ट के ऊपर इस तरीके से क्लिक करना है और यहाँ से इसको इस तरीके से जूम इन कर लेना है। तो अभी यहाँ पर मैं आपको ये वाली वीडियो प्ले कर दिखाता हूँ। और अभी यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो यहाँ पर काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर देखें इस तरीके से हमारी जो वीडियो है जूम इन और इस तरीके से जूम आउट होगी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी टिप है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। तो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड